अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेला। आप देख रहे हैं सुहेला की रसोई। आज हम बनाएंगे मटन कोफ्ता, नवाबी मटन कोफ्ता करी। वाइट ग्रेवी होती है, मलाई कोफ्ता भी कहा जाता है। ये स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ग्रेवी के लिए कुछ सामान ले लिया है। 2 बड़े प्याज, 4-5 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी काजू, 1 मुट्ठी बादाम, 1 स्पून ज़ीरा, 8-10 छोटी इलायची, 1 छोटा सा जायफल का टुकड़ा, छोटा सा है बिल्कुल ये, थोड़ी सी जायफल ले ली, जावित्री ले ली, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, आधा बादियान, स्टारनीस हाफ लिया है ये भी मैंने, 4-5 लौंग, 15-20 काली मिर्च ये ले ली हमने। ये ग्रेवी के लिए है। और 2 बड़ी इलायची ये ले ली। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये केवड़ा वाटर ले लिया। ये है, हम कोफ्तों में ऐड करेंगे खिला चना, सूखा नारियल और मखाना। ये ड्राई रोस्ट किए हुए हैं और इनको पाउडर बना लेंगे। 1/2 स्पून ज़ीरा, 1/2 स्पून कुटी लाल मिर्च, 4 से 5 बारीक हरी मिर्च कटी हुई। यह है मिंट पाउडर, पुदीना, सूखा पुदीना, कुटा धनिया और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। ये कोफ्तों में हम ऐड करेंगे, ये कोफ्तों के लिए है। यह कसूरी मेथी, काली मिर्च और तेज़पात, यह हम ग्रेवी के लिए रखा है। 1 बड़ा प्याज हमने बारीक चॉप कर लिया चॉपर में, ये कोफ्तों में ऐड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक पैन ले लिया, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। प्याज, हरी मिर्च, काजू, बादाम, स्टारनीस, सिनेमा मिस्टिक, जायफल, जावित्री, लौंग, पेपर, ब्लैक पेपर सब ऐड करेंगे। अब हमें इन्हें सॉफ्ट करना है, कोई हमें इनका कलर चेंज नहीं करना। 1 स्पून गार्लिक पेस्ट ये ऐड करेंगे। कच्चापन ख़त्म होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये चना, मखाना, नारियल का पाउडर बना के कोफ्तों में ऐड करेंगे। इससे कोफ्ते सॉफ्ट और एकदम बढ़िया बनते हैं, टूटते भी नहीं, मज़ेदार टेस्ट आता है। ये हम मसाले ऐड कर देंगे जो हमने कोफ्तों के लिए निकाला था, अभी बताया हमने आपको। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 प्याज जो हमने चॉप किया था ये भी इसी में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया करके मिलाएंगे एकदम और कोफ्ते बांध लेंगे हम। मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे हम। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 स्पून के जितना पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें ऐड नहीं किया अभी तक, अब हमने इसमें ऐड कर दिया। और मीडियम साइज़ के कोफ्ते बांध लेंगे हम टाइट हाथ से एकदम। एकदम सूखा गोश्त है, बिना फैट का कीमा, मशीन का निकला हुआ कीमा है, मटन कीमा है ये। मीडियम साइज़ के सारे कोफ्ते हम एक बार में ऐसे ही बांध लेंगे। कोफ्ते हमारे बंध गए हैं। ये प्याज, टमाटर ये भी हमने ठंडा कर लिया पका के। इसे पूरी वीडियो में अब रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर पेस्ट बना ली हमने। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा ऑयल। सारे कोफ्ते हल्के हाथ से कढ़ाई में रखते रहेंगे और इनको छेड़ेंगे नहीं, सब ऐड करके इनको कवर करके रख देंगे। खुद पे खुद ये फ्राई हो जाएंगे। हल्के हाथ से इनको पलटेंगे। 4 से 5 मिनट मैंने इन्हें फ्राई किया ऐसे ही और इनको निकाल लेंगे। ये पेस्ट जो हमने बनाई थी प्याज, काजू, बादाम की, ये ऐड करेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करते करते मसाले कुछ ऐड कर लेंगे। ये 2 तेज़पत्ता, कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर ये ऐड करेंगे और भुनाई करेंगे। फिर से खुला ही भुनेंगे हम इसको। वैसे तो कच्चापन इसका ख़त्म है लेकिन अभी हमें इसमें और मसाले ऐड करने हैं। कुछ क्रीम वगैरह, दही, ये है दही, 1 कटोरी दही ये ऐड कर दी हमने इसमें अच्छी तरह फेंट के। मिक्स करते रहेंगे, कवर करके रखेंगे। 1 स्पून धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। हमने अभी तक ग्रेवी नमक नहीं ऐड किया था, नमक ऐड करेंगे ग्रेवी का, वो हमने कोफ्तों में ऐड किया था।
कवर करके रखेंगे। मसाले को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसमें खुशबूदार मसाले ऐड किए हैं सारे। ये है क्रीम, फ्रेश क्रीम है, आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी टाइट हो रही है क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रख रखी थी क्रीम को। 100 ग्राम 150 ग्राम क्रीम है ये, ऐड कर देंगे। आप घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई कोफ्ता बहुत मज़े का बनता है, मटन मलाई कोफ्ता, नवाबी कोफ्ता भी कहा जाता है इसको। बच्चे शौक से खाते हैं एकदम काली मिर्च, जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। जब हम बकरीद का टाइम चल रहा है, ईद उल अज़हा का, इस टाइम पे ज़्यादा स्पाइसी मसाले वाली चीज़ें खाई जा रही हैं। अगर आप उससे बोर हो जाएं तो ये बनाएं। 100 ग्राम पनीर हमने छोटे क्यूब्स में काटा और ये भी ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा लुक और टेस्ट बढ़ जाता है, एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला, स्मूथ सिल्की क्रीम वाली एकदम ग्रेवी बनती है इसकी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत मज़े का बना है, डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर